हम सारी शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें देख रहे हैं और एक जगह पे आके हम रुक गए हैं। बाजी कौसर को अभी हमने बताना है कि भाई इतना बजट बनता है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है बाजी कौसर, मेरे मुझे ऐसा लगता है, मुझे अफसोस है इस बात का कि उनके लिए ये तमाम चीज़ें उनके बजट से बाहर होती जा रही हैं। मैं आपको जो भी यहाँ बजट बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो तमाम की तमाम चीज़ें कम से कम सादगी में रह के बता रहा हूँ। अभी अब मैं उन लोगों के रेट पे नहीं गया जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं और दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनको इतनी इस्तेआत दी है। अभी मैं फर्नीचर दुकान में मौजूद हूँ लालाजी, यहाँ पर लालाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्लाह भाई जान। मुझे ये बताएं कि एक सादा बेड, डबल बेड कितने का आ जाता है? इसमें सादा बेड जो है ना, बेड ड्रेसिंग 85 के करीब। 85,000 जी। बेड ड्रेसिंग, बेड ड्रेसिंग सॉरी टेबल, ये कितने का? यही आपको बता रहा हूँ, ये वाला बेड। इससे भी सादा थोड़ा, इससे सादा फिर हो जाएगा, 50 में भी मिल जाएगा, 60 में भी मिल जाएगा, इससे कम से कम में कितना मिल जाएगा? वो बिल्कुल लो अपना हो जाती है। हाँ, कितनी कितनी वो तकरीबन कम से कम बेड ड्रेसिंग जो है ना 40-45 के करीब भी हो जाएगी। सबसे कम ये उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, 40-45 में। 45 वो यहाँ मिल जाएगा? यहाँ नहीं, हमारे पास नहीं है, हम इतना लो काम नहीं करते हैं। आप कितना करते हैं? आपका आपका लोएस्ट आपकी दुकान में कौन सा पड़ा? हमारे पास सादा। ये सादा ये बेड है, ये अपना फाइनल जो है ना आपको, हाँ। ये 70 तक जो है ना फाइनल बेड रेस्ट। 70,000 रुपये में हमें ये मिल जाएगा। और सोफे की तरफ आए, अब इसी के मुताबिक कोई सोफा हमें लेना हो, सोफा नॉर्मल जो है ना वो 30 की रेंज में, वो आए आए 30 की रेंज वाले देखते हैं। ये अब ये वाला सोफा सेट है ना, ये बिल्कुल सादा सादा जी, ये वाला आपका 30 की रेंज में रेडी हो जाएगा। 30,000 में जी, 30 का बताया आपको, 28 का फाइनल हो जाएगा। ये समझ लें 26 का मुझे पड़ता है, ये 28 का हो जाएगा आपको। 28 का हो जाएगा, 2,000 मार्जिन रखा मैंने अपने। बिल्कुल ठीक है। और ये आपको तकरीबन 28,000 का हमारा सोफा सेट हो गया जी। ये कितने सीटर होगा? 6 सीटर, 3-2-1। और वो 70,000 में हमें बेड ड्रेसिंग मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी। रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, और जी जो रेट बढ़ता जा रहा है, मेरा दिल बैठता जा रहा है कि ये कैसे हो पाएगा और कैसे इतने पैसे निकाल पाएंगे आप। सर अभी मैट्रेस कितने का पड़ जाएगा इस बेड के ऊपर? मैट्रेस अगर आपने अच्छा मैट्रेस लेना है, 6 इंच वाला जो है ना, वो इस वक्त 23,000, 23,500 रुपए का। ठीक है, अगर सेकंड क्वालिटी में चले जाएंगे वो 17,000 का। ये जो क्वालिटी नीचे जा रहे हैं, इसका हाँ नुकसान क्या है? मतलब बैठ जाएगा वो? जल्दी बैठ जाएगा, उसकी वारंटी कम होती है और वो बैठ जाएगा जल्दी। हाँ, यानी कि अगर आप कुछ दे रहे हैं अपनी बेटी को तो अव्वल तो कोशिश यही होती है कि यार अच्छा और मेयारी दें। अच्छा और मेयारी के लिए 22,000 रुपया कम अज कम हमें चाहिए। 22,000 का मैट्रेस, 17,000 रुपये का बेड और तकरीबन 28,000 रुपये का सोफ़ा, यानी कि हम जो से हैं वो 1,00,000 क्रॉस कर गए हैं फर्नीचर में। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा, अभी पिछले साल की नस्बत और इस साल की नस्बत क्या रेट में फ़र्क आया? रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। कितने वो बेड पिछले साल कितने का था? बेड पिछले साल तकरीबन समझ ले 10,000 रुपये बेड ड्रेसिंग में बढ़ गया है। लेस था पहले जी, यानी कि 60,000 में ले सकते थे। हाँ पिछले जी, पिछले साल। अभी हम 70,000 में जा रहे हैं। 70,000 में। सोफों में कितना रेट? सोफा सेट भी अपना हर सोफा सेट जो है ना 6-6, 7-7 रुपया बढ़ गया है। 6-6, 7-7 हज़ार हर सोफा सेट? हर सोफा सेट बढ़ गया। और वो आप मैट्रेस कितने का? मैट्रेस में भी तकरीबन अपना एक साल के अंदर अंदर तकरीबन समझ लें कि 7-8 हज़ार, 9,000 रुपये भी पर मैट्रेस, जो अच्छा मैट्रेस है ना वो बढ़ गया। 2,000 ज्यादा हुआ? हाँ जी। वो कह रहे हैं कि साल के अंदर अंदर ये 10-10, 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये अब कीमतें बढ़ गई हैं। इसका मतलब वो सही कह रहे हैं, महंगाई हो गई है जी। लेकिन जो अमीर आदमी है उनसे महंगाई नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। बेटी की शादी है, बारात में आना है और बारात को खाना भी खिलाना है। कम से कम 100 लोगों के लिए खाना तो देना पड़ता है, और ये अगर खाना अच्छा ना हो तो बातें भी बहुत सारी सुननी पड़ती हैं। अभी हम एक शादी हॉल में मौजूद हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि 100 लोगों को खाना देना हो और जगह भी देनी हो, जहाँ उन्होंने बैठे खाना खाना है, जहाँ बारात में आना है, तो कितने पैसे लगते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, से क्या ठीक ठाक खैरियत है भाईजान? अगर हम ढूंढ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रेट में हमें अच्छा खाना भी मिल जाए और लोग भी बातें ना करें और सेटअप हो 100 लोगों का, तो कितने पैसे? ये माशाल्लाह 40-60 हज़ार के अंदर खाना आपको 100 बंदे में बेहतरीन मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी में? बेहतरीन क्वालिटी। उसमें क्या होता है ये वन डिश में? आप वन डिश जो इसमें पुलाव चिकन का, इसमें कौरमा, चिकन कौरमा होगा, चिकन बिरयानी होगी, रोगनी नान हो गए, सैलड होगी, और मीठे में? मीठे में फिरनी या जर्दा हो जाएगा। फिरनी में जर्दा हो जाएगा, यानी कि अब हम ये कह देता हूँ कि 60 हज़ार कर लें तो सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा ये बताएं कि पिछले साल में रेट क्या था 100 बंदे का? पिछले साल में यही 25-30 हज़ार था, अब जब बढ़ते जा रहे हैं। 25-30 हज़ार पिछले साल था? सर महंगाई देखे कहाँ चलेगी, 400 रुपए से घी चला गया है, चीनी कहाँ से पहुँच गई है, हर चीज़ आप देखें। एक साल के अंदर इतना बढ़ा? आप टैक्सी देखे किस तरह बढ़ गए हैं, बिजली ना इस्तेमाल करने में 1.5-2 लाख के बिल आ रहे हैं, कहाँ से करेंगे? पूरे नहीं है, ये खर्चे पूरे करते हैं हम इनके।
आप खर्चे पूरे करते हैं ताकि काम चलाना है, ताकि लेबर का काम भी चलता है, लेबर की रोजी मिलती रहे, हमें भी मिलती रहे। यही है कि हम खाना खा लेते, खुश हो जाए खाना खा लिया, यही हो। 60,000 रुपया आप बता रहे हैं, और 60,000 रुपया पिछले साल वो बता रहे हैं कि ये 35,000 बेहतरीन हो जाता था। ये तो आपको ये वो चीज़ है कि अगर आप जहेज को एक तरफ साइड पे भी कर दें तो ये लाजमी करना ही करना है। साडा चिड़िया दा चंबा ए बाब लवे, साडा चिड़िया दा चंबा। साई की हाल है? आप बच्ची अपनी की शादी करना चाहते हैं, जरूर करें, अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, बाज़ दफा दिखावे में इंसान नुकसान उठा लेता है। दिखावा जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, और जो लोग कर रहे हैं दिखावा, स्पेशली मैं उनको कह रहा हूँ जो खुद को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं, और इसमें सारे ही आ जाते हैं। आप किसी भी बड़े बंदे की शादी टीवी पे चलती है ना, जाते हम जाते भी हैं, देखते भी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो तो तकरीबन 50-60 लाख रुपये का लहंगा ही सिलवाते हैं। और लहंगा छोड़े, जो मेहमान आए होते हैं उन्होंने करोड़ों के कपड़े पहने होते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में आ रहे होते हैं। एक चीज़ ये याद रखा करें, जब आप ये सारी नुमाइश कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको, तो वो आपकी तरफ हाई होप से देख रहे होते हैं। फिर बाद में जब किसी की बच्ची टीवी पे ये देखेगी, शादी देखेगी, वो गरीब आदमी है, तो उसके साथ क्या सूरत हाल बनेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी।